हम मैजिक पेपर की एक्टिविटी करेंगे। चलें देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वाइट प्लेट, एक ग्लास पानी, काली मिर्चें यानी ब्लैक पेपर और कोई भी लिक्विड बर्तन धोने का साबुन। सबसे पहले मैं अपना पानी प्लेट के अंदर डाल दूंगी। इसके बाद मैं काली मिर्चों को उसकी सरफेस के ऊपर फैला के डाल दूंगी। अब हमने देखा कि सारी काली मिर्चें पानी के ऊपर फैल गई हैं। अगर मैं इसको टच करूं तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारा पानी इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर मैं एक और दफ़ा ये सेम काम करूं, लेकिन इस दफ़ा मैं पहले अपनी उंगली के ऊपर थोड़ा सा डिश सोप लगाऊं और अब इसको टच करके देखूं, सारी काली मिर्चें एकदम से पीछे हो गईं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि हमारे पास जब भी कोई लिक्विड होता है उसके नीचे वाले सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारी टॉप लेयर के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टॉप लेयर इलास्टिक हो जाती है और इस फिनोमेना को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जब हमने पहले उसको टच किया तो हमारी सरफेस टेंशन डिस्टर्ब नहीं हुई, लिहाजा हमारी मिर्चें ऐसे के ऐसे ही अपनी जगह पर रहीं। बट देन जब हमने डिश सोप लगा के और फिर उससे टच किया, इसको एक दफ़ा दोबारा करके देख लेते हैं। अब हम डिश सोप लगा के दोबारा जहाँ जहाँ टच करेंगे वहाँ से मिर्चें पीछे हट जाएंगी। और इसकी वजह यह है कि डिश सोप जो है वो पानी की सरफेस टेंशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से पानी पीछे हटता है और उसके साथ साथ सारी मिर्चें भी पीछे हट जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने सरफेस टेंशन के बारे में देखा और आप भी ये एक्सपेरिमेंट यूज़ करके अपने क्लास में बच्चों को सरफेस टेंशन के बारे में बता सकते हैं।